आपका भविष्य दिखता है आपको, तो हमारा भविष्य पर्चियों में ही मेरे ख्याल से रह गया है। हमारी जो आज की भी टीम खेली है ठीक है, आप अंडर 19 है, अंडर 19 आपको ये बताता है कि आपके भविष्य कितना उज्जवल है। हमारा भविष्य हमारे सामने है, एक भविष्य अभी देख के आए भूतकाल में आपके वर्ल्ड कप में क्या हुआ, क्या हमारे कोच बोल रहे हैं, और बात हो रही है कि जी पिच हमारे मतलब की नहीं बनी। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में जिस तरह आज भारत को शिकस्त दी उसे देखकर मजा आ गया। खासतौर पर पहले अजान और शाहजेब की पार्टनरशिप और उसके बाद कप्तान साहब ने आकर जिस तरह बैटिंग को हैंडल किया उसने भारत के छक्के छुड़ा दिए। यही वजह कि भारतीय मीडिया पर अब पाकिस्तान की जीत पर सभी मातम बिछ चुका है। आइए आपको वीडियो में ये सब दिखाते हैं। पिछले मैच में जीशान की तारीफ करूंगा भाई, मैं पिछले मैच में 6 विकेट ली थी, इस मैच में 4 विकेट लिए, 2 मैच के अंदर 10 विकेट, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। बट अगर बात करूं इंडियन बोलिंग की, भाई नमन तिवारी से एक्सपेक्टेशन थी कि आगे विकेट लेंगे, और बात भी हो रही थी जब 260 रन बने थे, सबने यही बोला कि इस ट्रैक पे बैटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है और 260 रन बन गया आपका विनिंग टोटल होगा। मैं कहा अच्छा ठीक है, बहुत मुश्किल है बैटिंग, बट जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई लगा ही नहीं कि भाई आपका जो पिच है इतनी मुश्किल है, और बाकी रन बन रहे थे, एक विकेट गिरी उसके बाद जो कहते हैं ना आपने बिल्कुल हथियार डाल दिए, बिल्कुल ही हथियार डाल दिए स्पिनर्स लगाने के बजाय, आप बार बार नमन तिवारी को लगाए जा रहे हो जिनको विकेट ही नहीं मिल रही है, जो कि महंगे साबित हो रहे हैं, 6 की तो इकॉनमी रही है ठीक ठाक, इनकी इकॉनमी आ जाती है, देख लीजिए सबकी 6-6 की ऑलमोस्ट इकॉनमी रही है। सो सबसे खराब परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा इंडियन बैटिंग की, और उसके बाद जो ये बोलिंग की परफॉर्मेंस आई है और ज्यादा खराब थी। अब इसके बाद आप कमबैक भी कर लोगे तो ये तो आप पे इल्जाम लग चुका कि पाकिस्तान से आप हार गए और बहुत बुरी तरह से हारे हो। कप्तान उदय सारन ने 60 रन बनाए और फिर नीचे सचिन दास ने आके 58 बनाया, एक तरह से आपकी बैटिंग में भी वो 2-3 नामों ने परफॉर्मेंस करके देखा। और जैसे हमारी बैटिंग वाला पर्सन की बात करें, रुद्र पटेल की बात करें, जैसे विकेट आप कहना की आप कह रहे हो थ्रो अवे वहां से करके आए, और जो पाकिस्तान पहली विकेट जल्दी जरूर गिरी लेकिन उसके बाद 28 पर एक से लेकर 138 पर दूसरे विकेट गिरना, 110 रनों की पार्टनरशिप, वहीं से कहना आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की बैटिंग आज पूरी तरह से उस कमांड में रही थी जैसा परफॉर्मेंस आया। कैसे क्या हुआ सुशांत भाई, शांत हो? बिल्कुल ही शांत हो गए, आ जाओ यार फुल स्क्रीन पे आ जाओ। नहीं इनकी पाकिस्तान की बैटिंग दिखा दीजिए पहले तो आजाद उनके लिए ताली बैठ अंडर 19 है, अंडर 19 आपको ये बताता है कि आपके भविष्य कितना उज्जवल है। हमारा भविष्य हमारे सामने है, एक भविष्य अभी देख के आए भूतकाल में आपके वर्ल्ड कप में क्या क्या हमारे कोच बोल रहे हैं, और बात हो रही है कि जी पिच हमारे मतलब की नहीं बनी, तो बेटा अगली बार पिचों के गड्ढे खोद लेना, दूसरे वालों गड्ढों में मतलब धक्के देके आना, बदमाशों को बुला के ना पिचों में गाड़ देना लोगों को, तब जाके जीतना। आप देखिए कि 263 का चीज 263/2 बनाए इन्होंने, 63 एक ने मार दिए, 105 एक ने मार दिए नॉट आउट आजान ने। आप देखिए यहाँ पे शहजाद जो है उसने 63, आजान ने 105 नॉट आउट, और साथ बेग कैप्टन जो है उन्होंने 68 नॉट आउट, ठीक है 51 बॉल्स, बेसिकली एक विकेट गई है ऊपर वाली जो जल्दी गई है हुसैन की, बाकी तीनों ने मार मोर के काम खत्म किया 47 ओवर इजी बैटिंग, इजी चेस किया है अंडर 19 में। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका भविष्य दिखता है आपको, तो हमारा भविष्य पर्चियों में ही मेरे ख्याल से रह गया है। हमारी जो आज की भी टीम खेली है ठीक है, आप अंडर 19 है, आपको आगे देखना चाहिए ठीक है, और बेटर आप कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये तो अभी आपको धीरे धीरे आगे आके और आप निकलेंगे, ऐसा नहीं है केन विलियम्स वगैरह भी अंडर 19 में आ रहे हैं।